छोटे से करियर में रिंकू सिंह ने वह सब हासिल कर लिया है जो हासिल करने में खिलाड़ियों को कई साल लग जाते हैं। रिंकू सिंह ने 15 टी-20 आई की 11 पारियों में 176.23 की स्ट्राइक रेट और 89 की औसत से रन बनाए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी-20 में भारत का स्कोर 4.3 ओवर में 22 पर 4 आउट था। कप्तान रोहित शर्मा ने 5वें विकेट के लिए रिंकू सिंह के साथ 93 गेंद पर 190 रन की अटूट साझेदारी बनाई। हिटमैन ने 69 गेंद पर 11 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 121 रन जड़े। रिंकू सिंह ने भी 39 गेंद पर 2 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 69 रन ठोके। रिंकू सिंह ने आईपीएल में जब यश दयाल को आखिरी ओवर में 5 छक्के जड़कर अपनी टीम को जीत दिलाई थी, तब लोगों को लगा था कि यह महज एक तुक्का था जो लग गया। उस पारी के बाद से ही रिंकू सिंह ने ऐसी तमाम पारियां खेलकर साबित किया कि वे 5 छक्के महज तुक्के नहीं थे। रिंकू सिंह ने करीम जनत को आखिरी ओवर में दिखाया कि उनका पाला किससे पड़ा है। करीम जनत की आखिरी 3 गेंद पर रिंकू सिंह ने लगातार 3 छक्के जड़कर चिन्नास्वामी के मैदान पर सनसनी फैला दी। रिंकू सिंह भारतीय टीम के वह तुरुप के इक्के बन चुके हैं जिनकी जगह अब कोई भी नहीं ले सकता है। रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने मिलकर टी-20 आई मैच के एक ओवर में सर्वाधिक 36 रन बनाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। करीम जनत के ओवर की पहली 3 गेंद पर 18 रन आए। करीम जनत की चौथी लेंथ डिलीवरी को रिंकू सिंह ने छक्के के लिए डीप मिडविकेट स्टैंड में पहुंचा दिया। 5वीं लोअर फुल टॉस पर भी रिंकू सिंह ने डीप मिडविकेट की दिशा में छक्का लगा दिया। अंतिम शॉर्ट बॉल डीप स्क्वायर लेग की दिशा में छक्के के लिए गई। इस तरह करीम जनत के 20वें ओवर से कुल मिलाकर 36 रन आए। युवराज सिंह ने 2007 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ 6 सिक्स लगाकर 36 रन बनाए थे, जबकि पोलार्ड ने 2021 में श्रीलंका के अकिला धनंजय के खिलाफ 6 सिक्स लगाकर 36 रन बनाए थे। टी-20 इंटरनेशनल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब दो बल्लेबाजों ने मिलकर एक ओवर में 36 रन का आंकड़ा छुआ हो। रिंकू सिंह मिडिल ओवरों में सिंगल डबल लेकर साझेदारी बनाने में भी माहिर हैं। रिंकू सिंह अंत के ओवरों में तेजी से रन बनाकर फिनिशर की भूमिका निभाने में भी सक्षम हैं। दरअसल रियल टैलेंट की भारत में कोई कमी नहीं है, लेकिन टीम में चयन अगर सिफारिशों के आधार पर ना हो तो भारतीय टीम में ऐसे टैलेंटेड खेलते दिखेंगे जो किसी भी परिस्थिति में भारतीय टीम को जिताने की क्षमता रखते हैं। रिंकू सिंह उन्हीं में से एक हैं। अब भारतीय कप्तान और कोच को चाहिए कि बड़े नामों की बजाय ऐसे ही खिलाड़ियों का चयन टीम में किया जाए जो वास्तव में मैच विनर हों। भारतीय टीम भाग्यशाली है कि उसे महेंद्र सिंह धोनी के बाद एक महान और बना फिनिशर मिल चुका है।